मैंने कुछ शेख साहब का कर्जा नहीं देना कि मैं उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी सियासत को चलाना है। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा केस की तहकीकात बड़े अहम मरले के ऊपर है। 13 अक्टूबर को अहम फैसले होने हैं। क्या इंडाइटमेंट का अमल आगे चलेगा, क्या सजा हो सकती है और क्या शवाहिद ऐसे मौजूद हैं जिसके ऊपर अदालत इस सारे केस को आगे बढ़ाएगी? काफ़ी सारे सवालात हैं। शरीफ फैमिली भी सवालात उठा रही है कि हमारे ऊपर विच हंटिंग हो रही है, हमारे ऊपर वो मुकदमा बनते नहीं जो बनाए जा रहे हैं, ये उनकी तरफ से आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो JIT की रिपोर्ट ने तहकीकात की और जो शवाहिद अदालत को जमा कराए उसकी रोशनी के अंदर नैब ने ये रेफरेंसेस जमा करवाए हैं और उसी को सामने रखते हुए सारी तहकीकात का अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। डार साहब के हवाले से भी आज सवाल जवाब हुए और शरीफ फैमिली के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में होंगे। उनके दोनों बच्चों का फ़िलहाल हमारा तासुर यह है कि दोनों बेटे उनके पाकिस्तान में नहीं आएंगे। फ़िलहाल नवाज शरीफ साहब भी आज की तारीख में पाकिस्तान से बाहर हैं। 13 अक्टूबर को अदालत क्या करेगी काफ़ी अहम होगा। आज के इस प्रोग्राम में हम मेहमान शख्सियत हैं शेख रशीद अहमद, सरबराह इमामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पनामा बड़ा अहम केस है पाकिस्तान की तारीख में, शायद ये एक राह मुतय्यन करेगा कि आइंदा बड़े लोगों के ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल कैसे आगे बढ़ेगा। आपको लगता है कि अदालत और नायब अदालतें जो है इस चीज़ को लेकर आगे चलेंगे? कोई हल नहीं है और कहाँ चलेगी। मुल्क की फाइनेंशियल क्राइसिस है, पोलिटिकल क्राइसिस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं और आप इकॉनमी को मुझसे 1000 दर्जे ज़्यादा समझते हैं कि इस मुल्क में इस तरह नहीं चल सकता, ये इस तरह टक शाप नहीं चल सकती। और नवाज शरीफ सारे लोग कहते हैं जी 7 दिन 7 दिन, नैप में 7 दिन की कोई पाबंदी नहीं है। ये ऐसे ही इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है कि हाई कोर्टों में जा रहे हैं फलाने, हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये मीडिया खेल रहे हैं। देखें 7 दिन है कागज, लेकिन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में, दूसरे क्रिमिनल केसेस में फर्द जुर्म के लिए, नैब के केसेस में 7 दिन की कोई पाबंदी नहीं है। और कल मेरा ख्याल है कि उन पर फर्द जुर्म लग जानी चाहिए और अगर ऐसा वैसा काम होता है तो फिर नैब 3 साल के इनको सीधा सीधा जो है जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। तो ये उनकी गैर मौजूदगी में भी ऐसी सजा दी जा सकती है? क्यों नहीं दी जा सकती, मेरा मतलब मैं आऊँ ही ना। देखे ना, ECL में तो लोगों को डाला नहीं जा रहा। ECL में तो वो डल जाती है 5 लाख रुपए की एक खातून, पता नहीं क्या $5 लाख। यहाँ बिलियन का सवाल है जी, यहाँ बिलियन का सवाल है। और कानून जो है पाकिस्तान में आम आदमी के लिए है, ये सारी सजाएं आम आदमी के लिए है। बड़े लोगों के लिए तो हम उनकी चरागाहें हैं, हम उनकी क्या कहते हैं मजारे हैं, हम उनकी वो रियासती ताकतें हैं जिनसे वो हमारे शिरिंजों से खून चूस के बाहर के मुल्कों में मुस्तकिल करते हैं। आपको तो प्रोग्राम करना चाहिए था इस आगडार पे। सर जी, कोई तसव्वुर हो सकता है इस मुल्क में कि IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग है और उन्होंने, उनका मेन मोटो है कि हमें फर्द जुर्म लगा हुआ आदमी, फर्द जुर्म मनी लॉन्ड्रिंग का और फर्द जुर्म करप्शन का लगा हुआ आदमी, ये हमें हमारी मीटिंग हमसे कैसे लेके जाएगा? और 12 से 15 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे 6 महीनों में? आज तो आसफ जरदारी ने भी फाइनेंशियल एमरजेंसी की बात कर दी है। अच्छा, कल आपको आर्मी चीफ की तकरीर सुन के थोड़ा सा ये खौफ नहीं हुआ? आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जा सकता है पाकिस्तान की तारीख में, कि आपकी जमहूरियत की गाड़ी पटड़ी से उतर गई एक दफ़ा फिर चलते चलते। आर्मी चीफ की तकरीर से ये लगा कि आर्मी जो है वो इकतसादी मामला भी अपने हाथ में लेने जा रही, क्योंकि उन्होंने जो तहफ़ात का इजहार किया, जो चीज़ें आइडेंटिफाई की, वो तमाम वो चीज़ें थी जो एक फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकता है या प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है। अब इस पाकिस्तान में आर्मी के, अगर आर्मी भी दिलचस्पी नहीं लेगी तो कौन लेगी जी? मैं खाकान अब्बासी के, उस अरसलान के लड़के के शहीद, उनके वालिद मेरे स्कूल टीचर हैं ज़ियाउल इस्लाम में, मैं गया तो उन्होंने कहा जी शेख साहब हम चोरों के बच्चों के लिए बच्चे कुर्बान करने के लिए बैठे। मैं 3 शहादा के घरों में गया हूँ, उन्होंने मुझे कहा है, मैं उनसे वादा करके आया हूँ, सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, पाकिस्तान के फौजी नौजवान यंगस्टर में ये बात आग की तरह फैल रही है तेजी से। जहां मैं गया हूं वो कहते हैं जी क्या हम इन चोरों के बच्चों के लिए, जो आते नहीं है कहते हैं जो करना कर लो, हम कुर्बानियां दें, हमारे एक एक दो दो बच्चे हैं, दोनों वतन पे शहीद हो रहे हैं। उस टीचर ने मुझे कहा मेरा बड़ा भाई भी शहीद हो गया, मेरा बेटा भी शहीद हो गया, और इन चोरों के लिए जिन्होंने मुल्क के लूटा है, मुल्क को आगे नहीं लेके जा रहे। और इस आग डार देखें कि सूरत हाल जो है, 12 से 15 बिलियन डॉलर कहां से आएंगे? आपको ये डर नहीं लगा कल तकरीर सुनने के बाद कि ये शायद दोबारा कोई मिलिट्री इंटरवेंशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, मुदाखलत हो ना जाए कहीं ऐसी? मैं समझता हूं कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत
بہت زیادہ نرمی سے، بڑے تدبر سے، فہم اور فراست سے ان سارے معاملات کو ہینڈل کیا ہے. کوئی اور ہوتا تو اس وقت دہم پٹاس ہو چکی ہوتی. کیوں؟ دا ریزن از کہ ملک کی صورت حال دیکھیں، گالی دے رہے ہیں فوج کو سر عام، گالی دے رہے ہیں عدلیہ کو سر عام. واٹ از دا ڈیموکریسی اف اے ڈیموکریٹ اور ڈیموکریسی اور ممبر آف پارلیمنٹ از گوئنگ ٹو ابیوز دی جوڈیشری؟ وٹ وی ہیو ٹو ڈو ویٹ دیٹ ڈیموکریسی؟ گھنگرو پہن کے ناچو اندھے. میں نے کل لیٹر لکھا ہے تمام علماء کو، جس جس عالم دین نے ختم نبوت کے ناموس رسالت کے خلاف ووٹ دیا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ فیصلہ دیں آپ. تو اس میں تو آپ کی پھر پارلیمنٹ ساری چلی جائے گی. جائے یا نہ جائے، پارلیمنٹ کے عام آدمی کا اتنا سیر نہیں. وہ جنہوں نے کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کیا ہے، معافی چاہتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح اپنے آپ کو ڈلیور نہیں کر پا رہا. اس بخار کے عالم میں میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ سچویشن از ویری کریٹیکل. آپ کہتے ہیں فوج نہیں آئے گی، تو بتائیں نہیں آئے، اگر کس حد تک رکے گی؟ اگر آ گئی تو شیخ رشید اس کی حمایت کریں گے. میں یہ آپ مجھ سے دو دفعہ پہلے کہنے ہیں، جب آئے گی پھر دیکھوں گا، ابھی تو آ نہیں رہی. یہ آپ دو دفعہ مجھ سے پہلے سوال کر سکتے ہیں. میرے نزدیک پاکستان خطرہ تو نہیں ہے ایسا، اور غریب مجھ سے پوچھ کے نہیں کسی نے آنا. یہ سارا اسلام آباد 8 ٹرکوں کی مار ہے، یہ جتنے لوگ ٹائن 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 کر رہے ہیں نا، میں ان سب کو جانتا ہوں. میں اس وقت سوٹا لگا رہا تھا، سوٹا لگا رہا تھا سگار کا، یہی جوتیاں تھی کواٹی پہنی ہوئی میں نے، کھول کے بیٹھا ہوا تھا، جوتیاں ادھر فاصلے پہ تھی. تو کرنل نے کہا تم نے نہیں جانا؟ میں کہا میں بھی جانا، ذرا ٹھہر جاؤ. میں گھر گیا تو آدھے گھنٹے بعد میں بھی 2 مہینے کے لیے بک ہو گیا، کیونکہ وہ تو روش ہوتی ہے. 12 اکتوبر 1999 کا ذکر کر. میں بالکل بیٹھا سوٹا لگا رہا تھا، سب کچھ میرے سامنے ہوا، سب کچھ میرے نظر میں ہے جو کچھ ہوا. اور مجھے آخر میں وہ کرنل صاحب جو تھے، اب تو بڑے میرا خیال ہے پتہ نہیں کہاں ہوں گے، وہ اس نے کہا جی تسی نہیں کار جانا. میں کہا میں ذرا سارا سما سما لواں پھر میں گھر جاؤں گا. پھر بڑے گھر پہنچ گیا ابھی. میں تو گھر پہنچا تو آئے ہوئے تھے. میں کہا بھائی میرے گھر تک کھانے کا انتظام کوئی نہیں، یونٹ جو ہی منگاؤ. ایک 22 آدمیوں کو میں قید کاٹوں، 22 آدمیوں کو کھانا بھی تو میں کہا یہ میرے کو نہیں ہو، یا مجھے جیل بھیج دو. ٹائم سے روٹی تو ملتی، ایک ٹائم آئے گا لوگ کہیں گے جیل اچھی جگہ ہے، ٹائم سے روٹی ہے، ٹائم سے چائے ہے، بجلی کم جاتی ہے. جمہوریت چلتی نظر آتی ہے آپ؟ لنگڑی، لولی، بیکار، کرپٹ، بےمان، بدیانت، کیا کیا لفظ میں آپ کے سمجھ. اس جمہوریت کی زندگی، بہت برا لفظ میرے ذہن میں آیا، جتنے مسئلے میں بچ سکتی ہے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ بچتی ہے یا نہیں بچتی، دیٹس اے ویری ہارڈ کوسچن. اور آپ کا کنسرن نہیں ہے اسے، پریشان نہیں؟ میرا بڑی کنسرن ہے، میرا پاکستان کے ساتھ، ان چوروں کے ساتھ میرا کنسرن ہے، ان چوروں کے ساتھ میرا کنسرن ہے. ملک کو لوٹا ہے اور پھر لوٹنے کے بعد آنکھیں دکھا رہے ہیں. کیا یہ عدلیہ کا حق نہیں ہے کہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ مال کیسے لے کے گئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے خطبہ میں روک لیا گیا، کہا رک جاؤ عمر، یہ تمہیں تو ایک پوشاک دی تھی آپ نے، آپ ایک چادر ملی تھی، آپ نے یہ قمیض کیسے بنائی؟ ان کا بیٹا اٹھتا ہے، انہوں نے کہا میں نے ایک چادر دی اپنے والد کو، پھر انہوں نے جمعہ پڑھایا. باتیں ہم بڑی کرتے ہیں اور حالات ہمارے کیا ہیں جی؟ حالات ہمارے اس قدر خراب ہیں کہ دنیا میں جو پاکستانی ہے، اوورسیز پاکستانی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ورد کر رہے ہیں، ہم ختم کر رہے ہیں قرآن کے، ہم آیت کریمہ کے ختم کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ کوئی برا وقت نہ آ جائے. ہمیں تو یہاں بڑی خوفناک خبریں مل رہی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے اپارٹمنٹ ہیں، ان کی ہر چیز باہر ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں. شیخ صاحب لیکن ایک اچھا کام ہوا، عدالت نے فیصلہ کیا، پارلیمنٹ نے نیام مانے چن لیا، وہ مانے یا نہیں مانا، امپلیمنٹ ہو گیا. بڑا افسوس ہے، امپلیمنٹ ہو گیا. بڑا افسوس ہے کہ آپ کی گلی کی سڑک راتوں رات بنا دیں، ایک سو آپ کہیں جی چلو جی میری سڑک بنا دو. یار کوئی ضمیر ہے ہمارا؟ کوئی ہمارے اندر انسان کی ضمیر کی قوت ہے کہ اس پاکستان کو بچانا ہے؟ سڑکیں تو بڈا پاس میں بڑی زبردست ہیں جی، پنگ یونگ میں بڑی زبردست ہیں. کون بچائے گا پاکستان کو؟ میں اور آپ. میں بچاؤں گا انشاءاللہ. یہ خطرے میں نہیں ڈال رہی ابھی والی حکومت، کیا کر رہی ہے جو خطرے میں ڈالتی ہے نا بھائی؟ کر کیا رہی ہے وہ دیکھیں. ایل این جی میں ایک ایک اس دستاویزات لینے کے لیے خود 2 دفعہ میں نے اسپیکر کے پاس گیا ان کی موجودگی میں، خاقان صاحب کے. میں نے کہا یہ لڑ ہی نہیں سکتا الیکشن، اس پہ کرپشن کا الزام ہے. اس نے کہا جی کاپی زہر اسپیکر نے رد کرنا تھا. پھر 2 دفعہ مجھے خاقان نے کہا میں اس سما کی نیچے والی بلڈنگ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ. یو یہ ٹرمینل چور کے بچے، کسی چیز کا ان کے پاس این او سی نہیں ہے. 2.72 کروڑ روپیہ اس کو کیا نام دیتے ہیں، داؤد حسین داؤد کے کیا نام ہے اس کا، پرانے والے ٹرمینل، ہاں پرانے والے. کوئی اس نے
केमिकल का उसका कारोबार था, पुराने वाले को ही उसने वो लगा के मशीन सी वहां डिगिंग की तो जगह पुराने, क्योंकि वो केमिकल एरिया जिसमें उसने नया टर्मिनल किसका? नया टर्मिनल में मैं कह चुका हूं कि सारे 20 टाइफूनों के पैसे पड़े। कौन कौन? सब कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता, आप बताइए। सब कुछ पता है। आप नाम बताएं। मैं नंबर वन से लड़ता हूं जिंदगी में, नंबर वन से दोस्ती करता हूं, नंबर वन से लड़ाई करता हूं। ये टैन 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 ये दौलत के पुजारी, ये मेरा लेवल नहीं है। इकबाल जैद अहमद तो सामने है, पीछे कौन कौन है? इकबाल जैद अहमद ने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, चौधरी मुनीर से और बाकी सब से भी, जो भी है हैं उसमें, मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये केस लाया हूँ आपसे लड़ने के लिए। मैं तो आज LNG पे बात करने आया था, सियासत पे तो रोज करता हूँ, कि मैं कौम के सामने रखूं कि यार क्या बनेगा, क्या हुआ? ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनके पास NOC था, ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का NOC है इनके पास, ना नेवल हेडक्वार्टर का NOC है, ना पोर्ट कासम अथॉरिटी का NOC है, ना लोकल गवर्नमेंट का NOC है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का NOC है। सबसे ज्यादा चीफ एक्सक्लूसिव जो है, क्योंकि इनका खुद केमिकल का काम है एंग्रो वालों का, और हुसैन दाऊद ने उसी का, क्या कहूं अब, क्या कहूं मैं। आज किसी को कह रहा था यार इस मुल्क में अल्लाह ताला ही रहम करे, जो ढकना उठाओ अंदर सवा शेर निकलता है। हमारे यहाँ जो माल्टे बेचते हैं ना, वो कहते हैं जेड़ा कपी दा वही लाल, जो काटो वही लाल निकलता है। तो जिसको काटो अंदर से लाल निकलता है। ये तो टर्मिनल की कहानी आप बता रहे हैं, गैस तो आए ना, फिर इसी पे प्रोग्राम करें। मैं गैस के तो लेके आया हूँ हजूर, तबाह कर दिया इस मुल्क को। क्या ये सारे मिले हुए हैं, देखें गैस और ऑयल की सियासत में ये गैस के साथ खड़े हुए हैं। ईरान से तो हम ले नहीं सके, ईरान से तो हमने कहा कि जनाब, उन्होंने कहा ये बॉर्डर पे ले जाओ। हमने कतर से इसलिए ली कि वहां बैठे हुए थे सैफ रहमान साहब, वहां ये गए शहबाज साहब। देखें अब चाइना का भी गंद सी पैक का पड़ने लगा है। चाइनीज ने मुझसे कल भी फोन किया, आज के बाका, मैं कहा ये जवेद सादक और ये आपका तारड़, ये चोरों के हेड। देखें वाइट क्राइम कॉलर क्राइम जो है वो छुरा मार क्राइम से ज्यादा खौफनाक है। सी पैक में क्या छुरा मार हुआ, ये नहीं समझ आए? सी पैक में सारे जितने फैसले हुए हैं ECC में सब फ्रॉड हुआ है, फैसले दुबई में हुए हैं और इसहाक डार के बेटे ने किए हैं। जितनी अप्रूवल्स हैं, अगर मैं लेके आया, देखें कंपनियां तो तीनों चाइनीज हैं। इसहाक डार के बेटे का सी पैक से क्या ताल्लुक है? उसको ECC में मंजूरी नहीं होती थी जब तक कमीशन वहां जमा ना हो जाए। सब ड्रामा किया इसने, सब कॉम। देखें ये यहां से 600 रुपया इस सड़क का, यहां से 800 रुपया, क्योंकि ये जावेद सादक वहां सारी जिंदगी वहां इन मसलों में रहा था, शंघाई में रहा था, पीकिंग में रहा था, इधर रुमची में रहा था, उधर से ये सारी चोर बाजारियां करता रहा। इधर इसने तारड़ के साथ मिलके सारा सेटअप किया, उसने शहबाज शरीफ को ला के पार्टियां दी। सारे दौलत के मुंतकिल चीन को सख्त फिक्र है कि सी पैक के जो पटड़े खुलने जा रहे हैं, मैं सी पैक का सबसे बड़ा हामी हूँ, सारी कौम को कहता हूँ कैमरे में, पाकिस्तान की जिंदगी में बहुत अहम ये मसला है। लेकिन हमारी इस बेईमान क्यादत ने 12 या 14 बिलियन डॉलर आए हैं टोटल, अभी 16 ये कहते हैं आ गए, 54 में से 60 कह रहे हैं, 16 या 14 बिलियन डॉलर आ गए हैं। और इस 14 में से 30-40% इन्होंने खचरा। ये किसने कहा आपको? मैं अकल रखता हूं, मैं आपके पास प्रोग्राम करने हैं, लोग सुनते हैं। चीनी सफारतकार ने कहा आपको? आपने कहा ना फोन आया था। से कल मैं मिलूंगा शाम के खाने पे। बाबा ये मसला अगर 200 आदमियों को चीन फांसी लगा सकता है, अगर 10 लाख आदमियों को चीन रिवर्ट कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान इस मुल्क में ये जवेद सादक टाइप के और ये तारड़ टाइप के और ये कमीशन एजेंट और ये माल खाने वाले इन लोगों को छोड़ देगा? सबूत है, सब सबूत है, आने दे टाइम। ये खाली इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है, आपने कहा इसको उसमें मलिक साहब बात सुने, जब मैं कह रहा था पनामा में, मैंने इनसे बैक किया जब PTI से, ये कहते थे पनामा का कोई नहीं निकलेगा, हुदैबिया पेपर, मैंने कहा मदर ऑफ द क्राइम है ये, 4-4 करोड़ के वकील थे, मैं 2 किताबें लेके और 4 वकीलों से मिन्नत तरला करके, और मैंने आपको 2 बातें कही थी कि ये पनामा में नहीं बचेंगे। आप अपने प्रोग्राम खुद भी कौम को हमारे भी क्लिप दिखा दिया करें, दूसरे लोगों के फटाफट आपका दिखाते हैं ना, वो बकरा भाग गया, कसाई भाग गया, वो दिखाते हैं आप। हाँ, हमारा तो वही बताया है जो साल लेट हो गया। आपने जब हमने कहा ये हुदैबिया पेपर मदर है और ये LNG नानी है क्राइम्स की, हुदैबिया भी खुला नहीं है, खुलेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं खुलेगा? और हुदैबिया के और अभी देखें, मैं एक केस में खुद अपीयर हुआ हूं,
खुद पहला केस है जिसमें डॉक्टर फरोग नसीम को मैंने किया, आई एम थैंकफुल टाइम। और मैं एलएनजी पर भी, मुझे दो मैं अभी उस पे भी आता हूँ, वो डॉक्टर फरोग तो उसमें आएंगे ना आपके, ये जो लतीफ खोसा भी आ गया कल, लतीफ खोसा ने, मेरा भाई है, छोटा है कि बड़ा, अभी उम्र का नहीं पता, मैं बड़ा हूँ या वो बड़ा है, उसने मुझे, बड़े आप ही निकलेंगे सर, नहीं नहीं इसमें वो निकलेगा। अच्छा। क्योंकि मैं बचपन से उसके केस सुनता आ रहा हूँ, जब चौधरियों का केस हुआ था पिंडी में, तो उस वक्त इसका वालिद था ख्वाजा हारस का, क्या नाम था, ख्वाजा सुल्तान, उस तरफ से लतीफ खोसा था, लतीफ खोसा वो जीता केस, मुझे आज भी याद है, मैं बच्चा था इसलिए वो मुझसे बड़ा है, और मुझे बड़ी उम्र अच्छी पसंद है। बट पीपल्स पार्टी आ गई है इसमें, बहुत अच्छी बात है, ये खड़ी नहीं हो सकती, ये 203 उड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा जैसे के कोई भी फिल इन दी ब्लैंक्स कर लें, तो रह ही नहीं सकता। सारी असेंबली ने तस्दीक की है सुप्रीम कोर्ट की, सारी असेंबली ने रॉकेट लॉन्चर मारा इस तराजू पे जो उन्होंने बाहर लटकाया, सारी असेंबली ने 5 अजीम जजों के फैसले को फेंका है बाहर के, हम एमएनए, हम जाली वोटों से बने हुए एमएनए, हम है वो मौलवी जिन्होंने जनाब अली इस्लाम को हमने बेचा और इस्लामाबाद को हमने छावनी बनाया, इस तरह मारेंगे इनके मुंह पे, ये लो 203। ये आपके सबूत चले जाने हैं जो आपने एलएनजी का केस की, एक कॉपी गाड़ी में भी है। आपका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये 62-63 से मुतसादम है? यस। और ये मुस्लिम लीग के सदर नहीं बन सकते और नल एंड वॉइड वो अमेंडमेंट निकाल दें इसको आप? मुझे कोई शक नहीं है, ये आप, ये आईन की सामने लिखी हुई दस्त, फिर आप कहते हैं आप प्रेडिक्शन करते हैं, इस तरह ही उठा के फेंकेंगे जैसे मैंने कॉपी फेंकी है। और ये एमएनए एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। एक चीज के ऊपर आप सारे लोग इकट्ठे हैं, आप लोन डिफॉल्टर्स का आपने कॉलम निकाल दिया अंदर से, आपने यूटिलिटी बिल का कॉलम निकाल दिया अंदर से नॉमिनेशन फॉर्म से, उसके ऊपर कोई बोला ही नहीं है, सारों ने चुप साधी। हमने तो देखें, उसने मेरा वॉल्यूम जीरो कर दिया, इसके बावजूद मैं गला फाड़ के बोलता रहा। अब आप मेरी पोजीशन देखें, इसमें कोई शक नहीं, मैं अकेला मेंबर हूं यार, मैं ताने सुन सुन के असेंबली में, जिस पोजीशन में मैं खड़ा होता हूं असेंबली में, बाहर आऊं तो इन्होंने गुंडे खड़े किए होते हैं। आप सोच सकते हैं कि बाहर मुझ पे 4 खुदकशी हमले हुए हैं, असेंबली के अंदर मुझ पे 3 दफा हमलावर हुए हैं। कोई दुनिया में ऐसा पॉलिटिशियन है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो 7 दफा फेडरल मिनिस्टर रहा और 7 मिनिस्ट्रियां की हों और उस पर 4 खुदकुश हमले हों और असेंबली में भी जाए तो उनको बोलने ना दिए जाए, बाहर निकले तो गुंडे खड़े किए हों कि उस पर आवाजें कसें और उस पर हमलावर हों, इसके बावजूद मैं अकेला हूं, अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह की मदद से मैंने इनको शिकस्त दी है। ये कहता था मैं असेंबली में नहीं हूंगा, बार बार नवाज शरीफ कहता था मैं असेंबली में नहीं हूंगा, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आऊंगा, मैं तुलू हो रहा हूं, तुम लोग गरूब हो रहे हो, आज अल्लाह का फजल है मैं असेंबली में हूं, वो असेंबली में भी नहीं है और कहीं और भी नहीं है। चौधरी निसार ने आज बड़ा जबरदस्त बयान दिया, उन्होंने कहा कि अदालतों से मुहाजरा ही नहीं होनी चाहिए, बड़ा जानदार किस्म की स्टेटमेंट है। आपको लगता है कि चौधरी साहब के बयान से कोई पार्टी के अंदर, मैंने तो आज उन्होंने मेरे बारे में, मैंने उनका नोटिस ही लेने छोड़ दिया। सियासत में टाइम, मोहब्बत में, जंग में और सियासत में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मेरा घिसा पुटा जुमला को 100 दफा मैं बोल चुका हूँ मीडिया पे, एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स है। तो वो चौधरी साहब ने पार्टी नहीं छोड़नी, आपको पता उनके मिजाज का, वो जो कुछ भी होगा उसी के अंदर ही करेंगे, माफ करना वहीं करते रहे, वहीं करते रहे। चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की सियासत जो है वो इस काबिल भी नहीं रह गई कि नवाज शरीफ के सामने बात करने की पोजीशन में हूं। वो वक्त था जब उसके साथ मैं कहता था दिस इज द टाइम, आजकल वो मुझ पे भी कह रहे हैं जनाब मैं मायूस, हाँ चौधरी निसार मैं मायूस हो गया हूं, मुझे मुल्क की फिक्र लग गई है, मैं मायूस हूं तुम्हारी क्यादत की सलाहियतों से, तुम्हारे सिस्टम से, इस बदबूदार निजाम से जिसको आप जमहूरियत जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत में खतरे में। मैं अगर देखूं कि जमहूरियत और पाकिस्तान में से एक का फैसला करना है, एक ने खतरे में जाना है, एक ने पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर नेस्तो नाबूद हो जाना, आई विल स्टैंड विद पाकिस्तान। आज चौधरी साहब ने एक और बयान भी दिया, उन्होंने कहा ये जो जॉइंट ऑपरेशन की बड़ी अहम चीजें हैं यार, उन्होंने कहा जॉइंट ऑपरेशन कोई आजाद मुल्क अपने मुल्क में करने की इजाजत नहीं दे सकता, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? उसी पार्टी में रहेगा फिर, आप अभी आप कह रहे हैं मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। इमरान खान मेरा दोस्त है, मैं उसका इत्तेहादी हूँ और जहाँ मैं महसूस करता हूँ कि समथिंग इज नॉट गुड इन माई थिंकिंग, मेरी सोच में, और आई एम थैंकफुल टू हिम, मैं उसके पास चला जाता हूँ ड्राइव करके, मैं कहता हूँ दिस इज रॉन्ग यार, और वो अगर इसलाह के काबिल हो तो इसलाह करता है। वहीं अंडे देने हैं, वहीं कूड़क होना है, वहीं बच्चे देने हैं, चौधरी साहब बैठे रहो, एक ही दफा झाड़ू फिरना, कूड़ा साफ, कूड़ा साफ। हो सकता है नए जो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात सुनते हो, क्योंकि वो कह रहे हैं 2013 से मेरी बात नहीं सुनी जा रही, पता नहीं फिर वहां ही बैठा हुआ है अगर सुनी भी नहीं जा रही।
वहां के अंडे दे रहा है। इज्जत से जीना जो है वो वजारत में जीने से हजार और लाख क्यामत नहीं आ गई। अगर आज जो शेख रशीद को अल्लाह सुभान व तआला ने इज्जत दी है, आप अगले जुमे को, कल का जुमा नहीं अगले जुमे को पिंडी में मेरा जलसा देखना और उससे आगे मुल्तान का देखना, कोई बस लारी सुजुकी नहीं होगी, समुंदर होगा आवाम का। लोग सच के साथ हैं। और ये डरे रहना कि नवाज शरीफ नाराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? पीटीआई वाले आपके साथ नाराज हो जाए जी? पीटीआई वाले आपके साथ आएंगे पिंडी वाले जलसे? नहीं आएंगे पीटीआई मेरे साथ। इमरान खान को दावत दिया आपने? नहीं मैंने नहीं दी। इमरान खान का जलसा अभी मैंने 13 अगस्त को किया सर जी। तो वो आएंगे आपके जलसे में? पीटीआई वाले आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? खुद इमरान नहीं आएंगे? नहीं नहीं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी भी इमरान के ऊपर आज वो नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी हुए हैं, आपसे पूछेंगे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं और इमरान खान के हवाले से शेख साहब थोड़ी सी बात कर लें, बाकी तो बहुत सी बातें कर ली हैं। एक तासुर मिल रहा है इस्लामाबाद के अंदर कि जहांगीर तरीन या इमरान खान, दोनों में से किसी एक को रगड़ा मिलने वाला है। आज हमें थोड़ी सी निशानदेही उसकी होती है, इलेक्शन कमीशन ने उनके नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट जारी कर दी। देखें बिला वजह वैसे ही अड्डा कर रहा है इलेक्शन कमीशन भी, नहायत एहतराम के साथ बिला वजह अड्डा कर, बिला वजह उन्होंने ऐसी, अब वो जाने के दिन है उनके, अब एक नया इलेक्शन कमीशन आना है। अब इमरान खान ने क्या किया जी? तो माफी मांग ले इमरान खान, अगर वो कहते हैं तोहीन की है तो क्या जाता है? उसने तोहीन की नहीं है, अब ऐसे ही वो अड्डा लगा रहे हैं उसके साथ। भाई जज साहब हैं, जज साहब के आगे सर झुका दें, कोई इज्जत को फर्क नहीं पड़ता लड़ाई लड़ने की। आप मेरा ख्याल है मैं वही बात करूं जो कर सकता हूं, कल मैं यहां बात कर दूं और उसकी पार्टी और वो कहेगा। आपकी राय क्या, अगर शेख रशीद हो तो क्या करेंगे? मैंने इमरान खान की बात सुनी है, मैं समझता हूँ उसने कोई तोहीन नहीं की, अदालत की ऐसे ही उसके साथ फड़ा कर रहे हैं वो। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी हिसाब किताब दोनों का लेना, जहांगीर तरीन का भी और इमरान खान का। मुझे तो यकीन है इंशाल्लाह कि कुछ नहीं होगा, दोनों को तरीन के और ऊपर इमरान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आप खुदा पे यकीन करें, मैं टीवी नहीं देखता, मैं सिर्फ अखबार पढ़ता हूँ, मुझे यकीन है कि बेहतरी का फैसला होगा और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी बेहतरी करे। और ये एक आईबी का लेटर जो है वो आया रकीन असम्बली के ऊपर, उसमें आपका नाम नहीं निकला, मेरा ख्याल था आपका भी निकलेगा। और लेटर सही है कि जाली है? पहले दिन तो ये कहते थे, देखे ना पहले दिन खत्मे नबूत में कहते थे कुछ भी नहीं हुआ, शेख रशीद का दिमाग ख़राब हो गया। पहले दिन जो कुछ असम्बली में इन्होंने मुझे कहा, दूसरे दिन इनको समझ आती है, ये लेट ही समझ आती है। लेकिन पीरज़ादा बहुत अच्छा आदमी है और भावलपुर में मैंने कैद काटी है, 7 साल की मैंने सज़ा काटी है, 3 साल मैं रहा हूँ भावलपुर जेल में, और बड़ा रख रखाव वाला आदमी है। इतने बड़े नाम और इतना बड़ा खत जाली नहीं हो सकता। अगर वो खुद ही कह दे पीरजादे से मेरी दोस्ती है कि ये खत जाली है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे नज़दीक तो ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स थे कि उनको डर था नवाज शरीफ को कि ये लोग कहीं इधर उधर ना। उसमें से 35 लोग 37 में से वो हैं जो काफ लीग से नून में आए हुए। मैं तो पहले भी कहता था, आप जो डराते थे कि 40 का ग्रुप है, उस 40 के नाम ही डाले थे उन्होंने। सही, आपका ग्रुप पकड़ लिया, पता आपको भी सब कुछ है, आप चस्का लेने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा जाली है तो मैं यही मानूंगा ना, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा जाली है। सही, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया, यही बड़ी बात है। उनका भी आना था? नहीं, मेरा मतलब है प्राइम मिनिस्टर को जाली इसलिए नजर आते हैं कि वो समझता है कि भाई ये लोग सारे जो हैं, ये सबको पता है कि नाम जब चले, नाम कैसे चले, कैसे निकले, सारी बातें जो हैं ये सारी, देखें कौम सारा कुछ समझती है। अगर मैं एक टीवी पे गलत प्रोग्राम भी शेख रशीद करे तो कौम एनालाइज कर लेती है कि यहाँ इसने जड़ा है ना डंडी मारी है। सो ऑफकोर्स ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। नए चेयरमैन नैब आ गए, नैब का रवैया बदलेगा उसके बाद? हाई प्रोफाइल करप्शन पकड़ेंगे? देखो हाई प्रोफाइल करप्शन में कल उन्होंने कहा है कि मैं नवाज शरीफ का केस मेरिट पे करूंगा, तो गुड इनफ है, मेरिट पे होना चाहिए। तसल्ली है आपको कि वो अच्छा काम करेंगे? अच्छा कर देगा, मुझे नहीं है। जब उस देखें एक आदमी कमिट करता है कौम के सामने कि आई विल डू माई बेस्ट, जब तक वो बेस्ट पे है आप कहें ठीक है, और चॉइस क्या? देखें अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट ने बनाना है नैब का चेयरमैन। देखें ये कानूनी गलत है, निजाम ही बड़ा फरसूदा है। अब अपोजिशन ने बनाना है अबूरी हुकूमत, अपोजिशन लीडर ने और नवाज शरीफ की हुकूमत ने। सिंध में उनको जरूरत है अपनी अबूरी हुकूमत की, आसिफ जरदारी साहब को, और अपने इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इनको जरूरत है। सो ये कोशिश करेंगे, बल्कि होगा ही ऐसा, फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा, फिर इस इलेक्शन को सीरियस खतरात लाहक हो जाएंगे। क्या करेंगे इमरान खान? ऑफ कोर्स इमरान सड़कों पे आएगा, मैं उसके साथ आऊंगा इन प्रोटेस्ट। भाई देखे ना ये मिल जाते हैं अपनी अबूरी हुकूमत, सारे मिनिस्ट्री हैं अबूरी, उन्होंने अपनी लगानी है,
और बुरी इलेक्शन कमीशन, फिर इस इलेक्शन पे कौन यकीन करेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि मार्च से पहले पहले फड्डा होके रहेगा। अब मार्च से पहले फड्डा क्यों करवाते हैं? मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो जाने दे। मैं तो दिसंबर कहता हूं, एहतियातन इसलिए कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च तक कहा कि इन केसेस का होने होना क्या इलेक्शन में। मैं तो कहता हूं सेनेट के भी इलेक्शन बराह रास्त हो, ये क्या मजाक है? नून लीग की अक्सरियत आ जाएगी इस दफा। आगे भी नवाज शरीफ की अक्सरियत थी तो धक्के खा रहा है जी टी रोड पे, मुझे क्यों निकाला का। ऐसे ऐसे लतीफे हैं, ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं, ढोलकी पे डांस हो रहे हैं, शादियों पे लोग कह रहे हैं। आगे उसकी अक्सरियत नहीं थी? जब भी उसकी अक्सरियत होती है उसके लिए खतरे। मैंने तो पहले दिन कहा था जिस दिन अक्सरियत थी कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। पाकिस्तान में वैसे मैटर क्या करता है? 12 अक्टूबर 1999 पाकिस्तान में काबिलियत मैटर करती है, लूटी हुई दौलत मैटर नहीं करती। इन दी एंड आदमी का पता लग जाता है कि इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ था, इसका दिमाग इंटरनेशनल लीडरशिप पर फ्यूचरिस्ट के लिए और दीवार के पीछे देखने की सलाहियत से आ रही था। ये मैं सामने टीवी समा का देख रहा हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं जब तक मुझे ना पता लगे कि मलिक साहब के पीछे क्या है। तो आपके ख्याल में कौन काबिलियत रखता है इनमें? रखते हैं लोग, पाकिस्तान काबिलियत से भरा हुआ है। चोरी का जिनके अब तो लोग ये समझेंगे कि लगाने से मिलता है। इस कॉरपोरेशन के इलेक्शनों में लोगों ने 4-4, 3-3 करोड़ रुपया लगाया, किसी ने पूछा जी? अभी एक बिल पास किया, बिल पास करने के बाद उनका क्लेरिकल मिस्टेक हो गई, सारों ने ऊपर बोर्ड लगाई है, कुकी मारी है, ऐसे पार्लियामेंट बिल पास करती है जी? सर जी, मैंने जुमे का वीडियो दिया कि जुमे की नमाज से पहले पहले ना किया, 3,20,00,000 लोगों ने वो वीडियो देखी है, आग लग जाती इस मुल्क में। फिर जुमेरात को ही पास हो गया। फजल रहमान जैसे आल मौलाना ने पहली दफा जिंदगी में मेरी 4 दफा तारीफ की असेंबली में। किया क्यों? हाय अल्लाह, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी दिमाग रखते हैं कि ये किसको मैसेज देना चाहते थे, ये किसको पैगाम देना चाहते थे? इन्होंने टेस्टर लगाया, ये अपने आप में सॉफ्ट लीडरशिप बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल नया इनका उस्ताद है टर्की वाला, कितने हजार बंदे फेंक के अंदर आजकल इनका रुझान कोई सऊदीज की तरफ ज्यादा, आजकल कतर और टर्की इनके फेवरेट लीडर्स हैं और फेवरेट इनकी कंट्रीज हैं। सो ये बहुत बड़ा सवाल है, व्हाई दे डिड सो, कहते हैं मिस्टेक होगी, और मिस्टेक क्यों नहीं हुई, और वहां क्यों नहीं लिख गया कि अल्लाह देता सेठी का नाम रख देते प्राइम मिनिस्टर की जगह। शेख साहब, शहबाज शरीफ उनका मुस्तकबिल अब क्या, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर तो एक फैसला अदालत दे चुकी है, वो अंडू नहीं हो सकता। मलिक साहब एक बात अर्ज करूं, सियासत बड़ी बेरहम चीज है, इससे ज्यादा नवाज शहबाज शरीफ पे शबाब का वक्त कोई नहीं था कि भाई नायल हो गया और बड़े भाई ने छोटे को कहा कि ही विल बी द कैंडिडेट इन 120 में, ये उम्मीदवार है और यही होगा सब कुछ। उसने कहा थैंक यू वेरी मच, घर गया तो कुलसूम बीबी और मरियम ने कहा ये कितना होएगा। जब तक मरियम बीबी और कुलसूम आया उसका कोई फ्यूचर नहीं, इसी तनख्वाह पे कायम करेगा ना, उसमें इतनी लीडरशिप क्वालिटी है, बाहर उसमें यही है कि चीन की हैंडलिंग ठीक की है इन्होंने, और ये अंदर जाएंगे सादक। किस केस में? इसी करप्शन के केसेस में, आप देखें यहां अदालतें लगेंगी इंशाल्लाह चौकों में। ये अगर इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, 15 बिलियन कहां से आएंगे? इनकी औलादों को पकड़े, इनको पकड़े, 12 तो लोग कहते हैं, मैं तो 15 कहता हूं, 12 लगा लें जी, 6 महीने में कहां से लाएगा ऐसा आगदार। यहां बरी माम में सारे मार्केटिंग के लाइसेंस बांटने वाले ये पीर सरफराज और ये सारे सईद मेहदी के भाई और ये सारे जायद मुजफ्फर, ये इन्होंने लूट सेल लगाई है। वो औरत क्या नाम था उसका, उज्मा, आपको नाम याद होगा क्या नाम था, बोले ना 18, आपको पता होगा सब कुछ पता है आपको। 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक उसने 22 मार्केटिंग के लाइसेंस इनके बाप की को बिरला जी के मंदिर की खिरात है या दादा दरबार की देगे बांट रहे हैं ये, कि 22 लाइसेंस बांटे इन्होंने, पीरों को बांट रहे हैं, फकीरों को बांट रहे हैं, सब ये हैं पीछे चोर डाकू लुटेरे बदमाश खाइन कमजर्फ कमअक्ल ज़ेहनी बस्ती के शिकार लोग, मुल्क को तबाह कर दिया, फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला, चोर हो तुम, तुमसे बड़ी रियायत हुई है। आज 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर पे भी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम आगे चलेगा, बेहतर लोग आ जाएं, आगे चलना चाहिए, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। देखें जमहूरियत पाक साफ हो तो कोई अरज नहीं, चोर जमहूरियत जो है अब इस मुल्क में नहीं चल सकती। एक शबीर शाह साहब मेरे उस्ताद हुआ करते थे शोरिश मलिक के साथ, मैं स्टूडेंट लीडर था तो एक दिन साथ उनके चल रहा था, पाकिस्तान टाइम के वो रिपोर्टर थे आजकल। उसने मुझे कहा शेख रशीद जिस वक्त कौमें मायूस हो जाती हैं ना अल्लाह ताला वहाँ लीडर पैदा कर देते हैं, और मेरा ख्याल है कौम इतनी मायूस हो गई है कि अल्लाह सुभान ताला इस मुल्क में एक सच्चा लीडर पैदा करेगा, मायूसी कुफर है। नया लीडर आएगा, कौम आस रखे मायूस ना हो। मायूसी तो कुफर है ना जी, जीना मरना अगर यहाँ है तो क्या है, अगर
मेरा मतलब है हमने भाग के तो कहीं नहीं जाना ना। एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शेख साहब, आपने पूरी किताब सामने रखी है और मैं भी आपकी ये किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक मैं ये नहीं समझ आया कि इसमें करप्शन क्या है और कहाँ से पकड़े जाके इनको। कुछ चीज़ ऐसी है एविडेंस जिससे पता चले? देखें, मसला इनका कमाल जो कारीगर लोग होते हैं ना, इंटरनेशनल क्राइम ओरिएंटेड लोग जो होते हैं, जो मास्टर माइंड होते हैं, मैंने अभी आपको उसका नाम मैंने देखा है, ये उज़्मा आदल गिलानी, ये 8 जुलाई 2016 को लगी, 22 दिन में इसने 22 कोई लाइसेंस जारी कर दिए, फिर इसको एक्सटेंशन के बाद ओगरा में हेड लगाया गया। सर जी, ये सारा इलीगल है, इसकी कोई अप्रूवल नहीं है। मैं 3 दफ़ा ये बात कहता हूँ, जो मैंने फजल रहमान को कही थी असम्बली में, कहाँ है फजल रहमान साहब, मैं कहता हूँ इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, दिस इज़ अ टोटल फ्रॉड और ये करप्शन की नानी है। और जो रेट इस मुल्क में एक प्लानिंग के तहत गरीब का खून चूसा गया, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सुप्रीम, मेरी बात सुन, LNG को बेचने के लिए, देखे ना अपने घरों के लिए, डूंगा गली की गैस कसवाल से आई है जी, ये शहजादे हैं, ये उधर से आए हैं, परियों के मुल्क से, जाती उमरा से, कितने करोड़ रुपए की एक घर में गैस गई है जी, कहां कसवाल और कहां डूंगा गली शहबाज साहब के घर में, कहां कसवाल और कहां डूंगा गली, कहां पाकिस्तान, कहां इंडिया। LNG पाकिस्तान के रेट देखें, इंडिया के देखें। कोर्ट में जाएंगे लेके? कोर्ट के लिए अभी 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि ये केस जो है बड़े टेक्निकल हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस महीने के आखिरी हफ्ते में। और वो टर्मिनल के पीछे जो लोग हैं उनको भी लेके जाएंगे अदालत? मैं तो केस को लेके जाऊंगा, जो भी उसमें सारे आ जाएंगे, मेरा इससे क्या तअल्लुक है? उसमें बड़े तगड़ी पार्टी है शेख साहब, मत्था लगाएंगे तो पता चलेगा आपको। नवाज शरीफ से तो तगड़ा कोई नहीं था ना, जो कहता था मैं नहीं हूँ। बेटे तो दोनों उनके आने का इम्कान कम है, वो नहीं, मुझे नहीं पता। इज्जतदार के लिए इज्जत से जीना और इज्जत से मरना बहुत बड़ा एजाज होता है, दौलत के लिए जीना और दौलत के लिए मरना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख साहब, वो वॉल्यूम 10 किधर है जो ये JIT का कहते थे उसमें से बड़ी तोप निकलनी है, वो मैंने देखा नहीं अभी तक, उसमें क्या चीज है ऐसी जो अभी उन्होंने खोला ही नहीं पूरा, एक ही सिर्फ 123 नंबर सफा बताया, वो भी तारीख, क्योंकि अब आप सवाल कर रहे हैं, आप टेक्निकली आपका फर्ज है, खैर मैं ये कहता हूँ कि ख्वाजा हारिस ने यह कहा कि इसमें जब जस्टिस अजमत ने माथे पे कहा कि वो कोई हसन हुसैन की बेनिफिशरी ले आओ, ख्वाजा हारिस साहब ने, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जस्टिस अफजल एजाज साहब से कि एजाज अफजल साहब से कि क्या इसमें ब्रिटिश अटॉर्नी जनरल ने लिखा है कि इस वॉल्यूम 10 में, या वॉल्यूम 10 का उन्होंने नाम नहीं लिया, कि मरियम बेनिफिशरी हैं, अटॉर्नी जनरल ने तस्दीक की है। उसने कहा यक्स, खोलो वॉल्यूम 10। हमसे ये गलती हो गई, टेक्निकली हम एक्सपर्ट लायर नहीं थे, हम ये कहते जी कि हमने भी देखनी है, हेयर वी हैव ए मिस्टेक, हम कहते कि आपने इसको दिखाया, उसने कहा खोलो 123 नंबर सफा, हारिस ने 123 खोला, उसने कहा यस माय लॉर्ड, उसने अगला सवाल नहीं किया। हमें चाहिए था, क्योंकि मैं ये केस खुद लड़ रहा था, मुझे उठना चाहिए था और जजिस से, रिस्पेक्टेबल और अजीम तरीन जजिस से ये दरख्वास्त करनी चाहिए थी कि मुझे भी ये देखने दी। लेकिन वो लेटर जो है ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अटर्नी जनरल का, वो तो है, वो तो हमने भी देखा है, पढ़ा है, लेकिन बाकी क्या है उसमें चीजें, क्योंकि वो कोई 23 इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त मालूम नहीं, अभी बर्तानिया को भी भेजी थी, सऊदी अरब को, कल कहा कि कुछ और मुल्कों से भी आ रहा है, इनके खजाने तो आपको पता है कि ये सारे लोग लूट, मैं एक बात अर्ज करूं, सॉरी हट के है, इन सारे लोगों ने जो लूटी हुई दौलत लगाए होते हैं, ये मर जाते हैं, वहीं उन्हीं हुकूमतों के काम आती है, अपनी बीवियों को नहीं बताते, अपनी औलाद को, बहुत कम लोग हैं जो लिख के आते हैं कि मेरे बाद मेरे ये वारस हैं। हबीब बैंक लिबर्टी में लाहौर की ब्रांच में इतने पैसे 50-52 में पड़े हुए हैं, जब मैंने असम्बली में एक सवाल किया था, 1 अरब रुपया उस वक्त पड़ा हुआ था, क्योंकि लोग अपनी दौलत छुपा के रखते हैं, चोरी का माल जाहिर नहीं करना चाहते, और बैंक का इतना इंटरेस्ट रेट है कि बैंक में नहीं रखते, निकालने जाओ तो कहते हैं जी 3,000। वो जो अमेरिका में हमारा भी बैंक बंद हुआ है, उसमें किसका पैसा था? नवाज शरीफ का, कुर्बान जाऊं, आपने याद कराया, सबूत है उसका, है जी सबूत है उसका, हाँ ऑफ कोर्स छपा है भाई, सारे डिस्कस हुआ है, आप समझ सबूत दें कोई, आप अगले प्रोग्राम में जब आया मैं ले आऊंगा, उसमें नाम लिखा हुआ है, 3 जगह से उन्होंने पैसा भेजा है, हबीब बैंक न्यूयॉर्क में, हबीब बैंक न्यूयॉर्क से जाती उमरा गया, ट्रांसफर हुआ है 1-1 अरब रुपया। यार आप शायद सब क्या बात करते हैं इस मुल्क में, PIA का जहाज, मेरा जहाज अगर बिके
तो वो ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए, वो 72 लाख 74 लाख में, और इनकी गाड़ी बिके BMW तो वो 1.5 करोड़ के नफे में। यार हमारा माल बिक रहा जहाज जहाज 74 लाख रुपए में, किसने बेचा? इनकी हुकूमत ने बेचा, और किसने? इनके ही लोगों ने। वो एक तारक अजीम उधर कनाडा लगाया, उसका नाम क्या ना अजीम, क्योंकि वो जेल में तिक्के लेके जाता था। नवाज शरीफ बादशाह आदमी है, जब जेल में जाते थे तो जनरल एहसान को इन्होंने कहा एजाज सिविल एविएशन में शुजात अजीम थे, शुजात अजीम ने, शुजात अजीम ने कहा जी मैंने भी जाना है जनरल एहसान को DGI से। उसने कहा जी चले जाए, उन्होंने होटल से तिक्के शिके बनाए साथ, और तिक्कों में सारा मुल्क पिया ये खा गए। वो देखे और एक भाई को उधर लगा लिया, वो लंदन में करप्शन में इन्वॉल्व था। तारक अजीम के खिलाफ मैंने नैब में केस दिया था कि ये प्रेस अटैची था, इसने माल बनाया वहां से। साद हरीरी के साथ जहाज में बिठा के मियां साहब को लेके भी तो गए थे ना? साद हरीरी के साथ भी गए, जहां भी गए मुल्क को तो तबाह किया ना सारी एजेंसी। जहाज किसने बेच के खाया ये बताएं पहले? PIA ने, PIA के इन अफसरों ने, सारे लोगों ने। शुजात अजीम टाइप पकड़े जाएंगे, उसका केस इन्होंने भेजा है ना? भेजा है। किस किस का केस भेजेंगे आप? पहले हम सोचते थे ना यार उन्हें इतना लाख रुपया खा लिया है, यार इतना लाख, फिर फिर करोड़ पे बात आ गई कि यार करोड़ था। अब अरब का समझते हैं गाजर मूली ठिपर है, ये अरब रुपया कोई चीज ही नहीं है, गिनने लगो अरब रुपया तो शाम पड़ जाए। तो अब अरबों रुपए का मसला जो है वो इनका। आप मुझे ये सवाल कौम से करने दें कि PIA का जहाज बिके और 74 लाख रुपए में इनकी बेटी की BMW एक सरमायादार खरीद ले सेकंड हैंड, और उसमें उनको सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट लगी हुई है। बिल्कुल, वो तो कागजात के अंदर टैक्स रिटर्न का हिस्सा है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा। 1.5 करोड़ रुपया नफा हो, काश ये जहाज ही 1.5 करोड़ का बिक जाता, हमारा माल था। सरिया बेचते, सीटें बेचते तो यार 72 लाख ही बिक जाती। ये पकड़ना चाहिए जी इन लोगों को, कोई गुंजाइश नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ इनको जाती है। चौंक में खड़े रखकर जो चीन में हुआ है इनके साथ वही होना चाहिए। इनके साथ हिस्ट्री शीट लगाई है, दिस मौसमी, दिस सन ऑफ दिस, डेट ऑफ बर्थ दिस, इतने दिन की मार्जिन है, ये लटका रहेगा यहाँ, और इसको फायरिंग स्क्वाड। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 30-35 अरब से 135-135 अरब हो गया, आज तक पूरा नहीं हुआ, और अभी उम्मीद भी नहीं है कब कितने में पूरा होना है। सारा मुल्क खा जाएंगे ये जब तक कोई सजा नहीं होगी, और ये सजा भी जेल में जाके ना टार्जन बन जाते हैं, वहां से फोटोएं खिंचाते हैं, वो करप्शन में। इस्लामाबाद एयरपोर्ट किसने खाया? ऑफ कोर्स इसी हुकूमत ने खाया, नवाज शरीफ की हुकूमत ने। शुरू पिछले दौर में हुआ था, खाने वाले कौन है? जो भी खाए यार, शेख रशीद से लेके नवाज शरीफ तक जो भी खाए, ही मस्ट बी पनिश्ड, पकड़ा जाना चाहिए और उसको फायरिंग स्क्वाड। वरना अदालतों में एक दिन वकील नहीं आता, एक दिन मुल्जम बीमार हो जाता है, एक दिन जनाब अली पद। देखें टैक्टिस, वकीलों को पेमेंट इसलिए दी जाती है प्रोलॉन्ग करो। एंड पे लास्ट क्वेश्चन आपसे, इलेक्शन कब नजर आते हैं? कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इस कदर आपने मायूस कुन जवाब दिया कि कुछ नहीं कह सकता, कि इसका मतलब है कुछ भी हो। इलेक्शन और सिलेक्शन में ई और एस का ही फर्क है। अच्छा, आपको सिलेक्शन नजर आया? नहीं, मैंने आपको बात कर रहा हूँ, अगला जुमला आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी नहीं है। मैं आज सोच रहा था कि इलेक्शन के स्पेलिंग क्या है, मैं उर्दू मीडियम वाला हूँ, और सिलेक्शन के स्पेलिंग क्या है, एक ई से शुरू होता है, एक एस से शुरू होता है, एक स्टूपिड ई की तरफ चला जाता है और एक एलिजिबल होने की तरफ चला जाता है। तो आपको इलेक्शन नजर आती है या सिलेक्शन नजर आती है? मैं तो पुलिस रात ही देख रहा हूँ अभी। आप लोगों को डरा रहे हैं? मैं डराना किसी को नहीं, मैं खुद भी डरा हुआ हालात मुल्क से। दुआ मांगे निजाम चले और अच्छे लोग आए, निजाम दीन लोहारना आए, निजाम चले, निजाम दीन लोहारना आए। अभी तक कौन थे? इस कौम ने जो फैसले किए वो भुगत रही है, उसको समझ नहीं आ रही। जो मैं केस लेके आया था उस पर आपने बहस नहीं की, LNG का रेट लगाने के लिए गैस का रेट इतना बढ़ा दिया कि लोग जो है ना वो LNG की तरफ। सरफराज अबी, मुस्लिम लीग, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।